हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर एडिटिंग। सो गाइज, आज के ट्यूटोरियल में हम अल्फा कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, लाइक मूवी पोस्टर होने वाला। ओके गाइज, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, और ये कॉन्सेप्ट हमारे प्रिंस भाई की है, जो कि हमारे के आर एडिटिंग टीम के एक मेम्बर है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड हाँ गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जरूर से कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और साथ ही बगल वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके सो गाइज, आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से पोज में फोटो क्लिक करवा लेना है। ओके गाइज, आप अपने हाथों को कुछ इस तरह से क्लिक करवाइएगा, जिससे अच्छा फोटो बनकर तैयार होगा। ओके गाइज, तो आप अच्छी तरह से इस तरह से फोटो क्लिक करवा लीजिएगा। एंड इसके बैकग्राउंड को हम इरेज करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे हम टूल्स में, एंड टूल्स में जाने के बाद फिर क्रॉप पर क्लिक कर लेना है। ओके गाइज, एंड ब्रश का साइज को सिलेक्ट करके अपने मॉडल के ऊपर कुछ इस तरह से पेंट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट कर लेता हूँ। ओके, सो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को परफेक्टली रिमूव कर दिया है। सो गाइज, आप जितने अच्छे से बैकग्राउंड को रिमूव कीजिएगा, उतने अच्छे से आपका फोटो बन के रेडी हो जाएगा। तो आप अच्छे से बैकग्राउंड को रिमूव कर लीजिएगा। ओके, तो सिंपली हम यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टूल में, एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेना है। सो गाइज, इसके बाद हम अपने बैकग्राउंड को लेकर आएंगे, तो सिंपली हम यहाँ से ये क्रॉस वाले साइन पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से बैक हो जाते हैं और अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं फुल HD में। एंड इसका लिंक मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो हम यहाँ से जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद जिस फोटो का मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है, उसे सिंपली लेकर आएंगे और अपने बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देना है साइड की तरफ से। ओके, और सिंपली यहां से इसे डन कर देना है। सो गाइस, इसमें एक टाइगर का PNG लगाना है, टाइगर फेस का। तो यहां से ऐड फोटो में जाएंगे और ये टाइगर का PNG है, इसे सिलेक्ट कर लेना है। और आपको इस तरह से लगा देना है गाइज, ये PNG अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपने आप लग जाएगा, तो आप अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। एंड सिंपली इसे यहाँ से डन कर देना है। ओके, सो गाइज, इसमें कुछ लाइट का इफेक्ट डालना है, तो लाइट PNG को एडजस्ट करेंगे हम। तो सिंपली यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे और ये वाइट लाइट PNG है, तो इसे हम 4 बार सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके गाइज, एंड इसको हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, तो पहले इसे साइड में कर लेते हैं। ओके, एंड इस वाले PNG को हम सिलेक्ट करेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देना है। तो यहाँ से हम जाएंगे ब्लेंडिंग मोड पे और इसे स्क्रीन कर लेंगे। ओके, एंड अपने हिसाब से आप इस तरह से यहाँ पे ये टाइगर की फेस के ऊपर इस तरह से लगाइएगा। ओके, एंड दूसरे PNG को हम ले लेते हैं एंड सिंपली इसका भी ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देते हैं, यहाँ से स्क्रीन कर देंगे और हम अपने हेयर के ऊपर इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। सो गाइज, मैं यहाँ पे फटाफट लगा देता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, एंड सिंपली यहाँ से इसे डन कर देना है। सो गाइज, हमने यहाँ पे लाइट का PNG जो था उसे लगा लिए हैं, एंड इसमें एक शैडो का PNG लगाना है। तो सिंपली यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे और ये शैडो वाली PNG को चूज कर लेना है। ओके, एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को हम चेंज कर देंगे, तो यहाँ से जाएंगे ब्लेंड में और इसे मल्टीपल कर देना है। सो आपको ये इस तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से लगा लीजिएगा, जैसे मैं लगाता हूँ ऐसे आप लगा लीजिएगा, एंड इसे नीचे कर देना कुछ इस तरह से।
सो सिंपली यहाँ से इसे डन कर देना। सो गाइस हमने यहाँ पे बैकग्राउंड पीएनजी सब एडजस्ट कर लिए हैं एंड इसमें एक और पीएनजी को ऐड कर रहा है, तो सिंपली यहाँ से ऐड फोटो में जा करके ये वाली पीएनजी को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड गाइस ये पीएनजी लगाने के बाद आप अपना फोटो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आफ्टर एंड बिफोर मैं दिखा देता हूँ पीएनजी लगने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। ओके एंड सिंपली यहाँ से इसे डन कर देना। ओके सो गाइस हमने यहाँ पे सभी पीएनजी को एडजस्ट कर लिए हैं एंड अपने फेस के ऊपर साइन को डालना है, तो यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टूल में एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद ये कलर को सिलेक्ट कर लेंगे व्हाइट। ओके गाइस एंड इसके बाद हम यहाँ से ब्रश वाला सिलेक्ट करेंगे, ब्रश के आइकन पर क्लिक करेंगे और आप साइज एंड ओपेसिटी को देख लीजिए अच्छी तरह से एंड यहाँ से हार्डनेस को भी वन कर लेना। ओके एंड यहाँ से सेट कर देना। सो गाइस इसके बाद हम जहाँ जहाँ साइन डालना है, तो सबसे पहले हम अपने फ़ोटो को जूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से और हमें जहाँ पे साइन डालना है वहाँ पे इस तरह से आपको चला देना है, तो मैं यहाँ पे अच्छे से तरह से चला लेता हूँ फटाफट। ओके सो गाइस इसके बाद हम ये फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसके ओपेसिटी को 50 प्लस कर लेना, 50 के आसपास रख लेना। ओके सो गाइस हमने यहाँ पे साइन डाल लिया है, तो सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करके अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे। ओके सो गाइस इसके बाद हम इसमें कलर करेक्शन करेंगे, तो इसके लिए लाइटरूम के में चलेंगे, तो सिंपली हम चलते हैं लाइटरूम की तरफ। सो गाइस हमारे यहाँ पे फोटो लाइटरूम में आ चुका है, तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे सन वाले आइकन पे एंड इसके हाईलाइट को 50 कर लेना। ओके एंड नीचे में जाएंगे और इसके वाइट को भी इंक्रीज कर लेना है 20 के आसपास एंड ब्लैक को -4 कर देंगे। सो इतना करने के बाद यहाँ से जाएंगे हम थर्मास वाले आइकन पे एंड मिक्स पे क्लिक करेंगे, इसके लुमिनेंस को हम इंक्रीज करना है 20 के आसपास। ओके एंड अगले कलर पे जाएंगे और इसके ह्यू को -4 ऐड कर लेना है। ओके एंड इसके लुमिनेंस को हम इंक्रीज कर लेते हैं 40 कर लेते हैं। ओके गाइस एंड इसके बाद अगले कलर पे जाएंगे एंड इसके ह्यू को -40 कर लेंगे और लुमिनेंस को भी इंक्रीज कर लेना 50 के आसपास। ओके गाइस एंड इसमें कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से सिंपली इसे डन कर देंगे। सो इसके बाद जाएंगे हम यहाँ से नीचे वाला ऑप्शन पे एंड इसके क्लियरिटी को ऐड कर लेना है। ओके एंड इसके बाद जाएंगे हम यहाँ से ट्रायंगल वाला ऑप्शन पे और शार्पनेस को बढ़ा लेना है 90+ कर लेना। ओके गाइस एंड इसमें नॉइज़ डिटेक्शन को भी इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमारे फ़ोटो की नॉइज होती है वो रिमूव हो जाती है। ओके तो सिंपली हम यहाँ से जाएंगे फिर से नीचे वाला ऑप्शन पे और ये दोनों ऑप्शन को आपको ऑन कर देना। ओके गाइस सो हमारे यहाँ पे इतना काम हो चुका है एंड इसमें कुछ और कलर करेक्शन करना है, तो सिंपली हम यहाँ से जाएंगे फाइल वाले ऑप्शन पे एंड आपको बेसिक पे क्लिक करना। ओके एंड यहाँ से विंटेज को आपको चूज कर लेना। ओके गाइस सो विंटेज में जाने के बाद हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड विंटेज 10 को सिलेक्ट कर लेना और सिंपली इसे यहाँ से डन कर देंगे। सो गाइस इतना करने के बाद इसमें सिलेक्टिव टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ से सबसे पहले सिलेक्टिव टूल पर क्लिक करेंगे। ओके एंड फोटो को कुछ जूम कर लेना है, ब्रश के आइकन पर क्लिक करके सिर्फ अपने फेस के ऊपर इस तरह से हम पेंट कर लेते हैं। ओके गाइस एंड इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे सन वाले आइकन पे और इसके एक्सपोजर को 24 कर लेना है। ओके एंड हाईलाइट को हम यहाँ पे 60 कर लेते हैं, 60 के आसपास। सो यहाँ से जाएंगे हम थर्मास वाले आइकन पे एंड इसके टेम्परेचर को 6 कर लेना एंड सैचुरेशन को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे। ओके सो यहाँ से हम जाएंगे ट्रायंगल वाला ऑप्शन पे एंड इसके शार्पनेस को इंक्रीज कर लेना 50 के आसपास। ओके गाइस एंड सिंपली यहाँ से इसे डन कर देना। सो गाइस फिर से जाएंगे हम यहाँ से सिलेक्टिव टूल में एंड ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके और जो टाइगर का फेस है उस पर सिंपली इस तरह से पेंट कर लेना है। ओके एंड इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे सन वाले आइकन पे और इसके हाईलाइट को इंक्रीज कर लेना है। ओके और इसके बाद जाएंगे सब थर्मास वाले आइकन पे और इसके सैचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है एंड यहाँ से ट्रायंगल वाला ऑप्शन पे जा करके इस पर शार्पनेस को इंक्रीज कर देना। ओके गाइस तो सिंपली यहाँ पे इतना काम हो चुका है, तो सिंपली हम यहाँ से इसे डन कर देंगे। ओके सो गाइस इसमें अपने ड्रेस को कुछ ब्लैक करना है, तो यहाँ से सिलेक्टिव टूल पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और अपने ड्रेस के ऊपर इस तरह से हम पेंट कर लेते हैं और डार्क मुझे करना है,
यहाँ से सन वाले आइकन पर क्लिक करके इसके एक्सपोजर को माइनस कर लेंगे एंड यहाँ से इसके डीएच को भी इंक्रीज कर लेना ओके एंड यहाँ से इसे सिंपली डन कर देंगे। सो गाइस हमारे यहाँ पे फाइनली फोटो एडिट हो चुका है, मैंने बहुत ही अच्छे तरह से कलर करेक्शन कर लिया है इसमें। तो मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर करेक्शन करने के बाद। ओके गाइस तो आप अपने फ़ोटो में कलर करेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से कीजिएगा जिससे आपका फोटो एक प्रोफेशनल तरीका से एडिट हो जाएगा। ओके गाइस सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।